आज जो लड़ाई जो आपको दौड़ाया, जो भागदौड़ मची, जो गांव से शहरों में दौड़े, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार किया, पैकेज के लिए तैयार किया, बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए तैयार किया, तो उसके पीछे एक ही चीज थी, क्या था? पैसा, रुपया, क्यों जी? रुपया ही था ना, और तो कोई चीज नहीं थी। और अगर आपको पता चले कि रुपया है ही नहीं जो आपको दिया जा रहा है, फिर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, कि इतने साल इतनी जिंदगी जो खोई या कागज के टुकड़े इकट्ठे करने में लगाई, और जो चीज कमानी थी, समाज कमाना था, लोग कमाने थे, इज्जत कमानी थी, भाईचारा कमाना था, प्रेम कमाना था, शांति कमानी थी, उसमें उसके पीछे दौड़े नहीं। और जिस चीज के पीछे दौड़े वो है ही नहीं समाज में, वो कहीं नहीं है। अगर यकीन ना हो तो आपको मैं एक बात बताता हूं, उससे अपनी बात को पूरा करता हूं। नोट छपने की एक प्रक्रिया होती है, अगर आपको पता ना हो, नोट छपने की प्रक्रिया में एक चीज होती है कि उस नोट के बराबर का रुपया सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और रुपये का असली जो मोल है, असली जो नाम है, वो गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। वही रुपया है ये जो जेब में आप लेके घूमते हो, ये रुपया नहीं है, ये रुपये का नोट है। जैसे कोई दुकानदार या कोई गाड़ी वाला या कोई एजेंसी वाला आपको पर्ची बना के दे दे कि जाओ उस पेट्रोल पंप पे जाके 5 लीटर डीजल ले ले, तो वो 5 लीटर की पर्ची है, 5 लीटर का नोट है वो, 5 लीटर का नोट, नोट प्रेस प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो जो आपको दिया जा रहा है ये रुपये का नोट है, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपया, इसका मतलब 10 रुपए सरकार के पास रखे हैं आपके, आप जब चाहो वो नोट देके और अपने 10 रुपये ले सकते हो, 10 रुपये मतलब 10 रुपये के बराबर का सोना। और आज जो कानून है इस वक्त इस देश के अंदर, उस कानून के मुताबिक अपने 1 रुपये की कीमत है 550 मिलीग्राम सोना, 770 मिलीग्राम सोना है वैसे तो ऑफिशियली, लेकिन वो उन्होंने घपला कर रखा है तो हम 770 ही बोलेंगे। 1 रुपये का मतलब 770 मिलीग्राम सोना। इस मीटिंग के बाद आप में से जिसको उस चीज के दस्तावेज चाहिए हमसे मांग लेना, हम आपको ऑफिशियल दस्तावेज देंगे उसके। पहले आपको एक किताब देंगे जिस बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च करी है 18-20 साल, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो उसके कानून हैं और कौन से एक्ट हैं, कॉइनेज एक्ट से लेकर के और उस तक, और रुपए का जो इन्होंने मान, जो मानदेय बढ़ाया, जो मान घटाया है इन्होंने, अवमूल्यन किया है, वो एक्चुअली हमारे कानून में, भारत के कानून के अंदर उसमें नॉन अवेलेबल है और आजीवन कारावास की सजा है। तो यदि इस देश के लोगों को जागरूक हो जाए तो आपके 1 रुपये के बराबर 770 मिलीग्राम सोना देना पड़ेगा सरकार को, अगर आप लोग जागरूक हो गए तो। ये आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन आपकी इस अनजानेपन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया? उन्होंने नोट छापने स्टार्ट कर दिए अपनी मर्जी से। कैसे छापने स्टार्ट कर दिए? इस खेल को समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं नोट छापने वाली मशीन हूं, मैं नोट छापने वाली एजेंसी हूं। नोट कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है नोट छापने के लिए, आदेश देने का कि कितने नोट छपेंगे। तो मान लेता हूं मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं और मैंने मार्केट के अंदर 100 करोड़ नोट छाप दिए। 100 करोड़ नोट छाप करके मैं बैंकों को दूंगा, बैंक उसको लोन पर देंगे, क्यों जी? बैंक उस पैसे को लोन दे देंगे ना, किसान को, उद्योगपति को, किसी को, बैंक अपने पास रख के क्या करेगा? अब यहां से आपकी भागीदारी शुरू होती है। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप दिए और आपको लोन दे दिया सबको, 100 करोड़ रुपए मार्केट में है, मैं कितने का मालिक हूं? 100 करोड़ का मालिक। आपसे जब मैं पासा लेना कहूंगा मेरे पैसे दो, तो कितने का मालिक हूं मैं? 100 करोड़ का। आपके पास वो पैसा पड़ा है, मैंने ब्याज लिया 10% का, साल में 10 रुपए, 100 रुपए पे, तो 100 करोड़ पे 10 करोड़, तो एक साल के बाद मैं कितने का मालिक हो गया? 110 करोड़। मार्केट में कितना पैसा पड़ा है? आपके पास 100 ही करोड़ है, क्योंकि आपके पैसे अभी ब्याज नहीं है। मुझे तो है नहीं कि आपके रुपये अंडे दे देंगे और रुपए बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका पास 100 ही करोड़ है, मेरे पास 110 करोड़ है। लेकिन असल में बैंक को पैसा एक साल बाद नहीं मिलता है, बैंक को पैसा अगले महीने ही मिलना शुरू हो जाता है किस्त के रूप में, और जैसे ही अगले महीने आता है बैंक उसको फिर ब्याज पे दे देता है, फिर अगले महीने आता है फिर ब्याज पे देता है। इस तरीके से बैंक ब्याज के ऊपर ब्याज लेता रहता है। तो जो इफेक्टिव जो ब्याज का रेट पड़ता है, आप अगर अपनी जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बनाते हो ना और हर महीने जो आप उसको देते हो और उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करोगे, तो आपको दिखता वो 10% है, असल में 48-48% पे ब्याज दे रहे होते हो आप उसका, आपको पता भी नहीं चलता। तो असल में बैंक का जो इफेक्टिव जो परसेंटेज का रेट है वो लगभग 50% पड़ता है। और आप में से जिसने भी फाइनेंस का काम करा हो उसको मालूम है कि लाख रुपए में 10 लाख की टोपी घुमाई जा सकती है बड़े प्यार से, क्यों जी? सबको मालूम है ये, क्योंकि ब्याज का रुपया होता नहीं, वो हवा हवा में होता है, कागज कागज में आया होता, कितने भी नहीं हो, मिल गया ना मिल गया, ठीक है जी, ठीक है जी।
जो ब्याज में डील करते हैं उनको सबको पता है। अब क्या होता है, 50% का रेट है। अब मैंने पहले साल 100 करोड़ रुपए छापा तो मुझे महीने दर मिलके और ऐसे करके एक साल के बाद 50% के हिसाब से मेरे कागज में बही में लिखा गया 150 करोड़। तो मैं कितने का मालिक, 150 करोड़ का। 100 करोड़ तो थे ही वो मेरे, 50 और आ गए तो मैं 150 करोड़ का मालिक। लेकिन मार्केट में रुपया कितना है, 100 करोड़। अब ये जो पहले साल में 150 करोड़ हो गया, अगले साल में ये 150 का दुगुना होने वाला है, डेढ़ गुना होने वाला है, 225 करोड़ रुपया हो गया दूसरे ही साल में। और मार्केट में कितना रुपया है भाई, 100 करोड़। मार्केट में 100 करोड़ और मैं मालिक बन गया 225 करोड़ का। अगली बार में 350-450 करोड़ का बन गया, अगली बार में मैं 500 करोड़ का बन गया। ऐसे करते करते मैं 5-7 साल के अंदर 10 गुना का मालिक बन जाऊंगा। शेयर बाजार में भी यही चल रहा है, हवा में पैसा, हवा में सब कुछ। अब आप एक बात सोचिए कि भारत के अंदर इस इकोनॉमी का क्या रेट है, किसी को मालूम है कि असली रेशो हवा वाला रुपया मालूम है? तो मैं बता देता हूं, 1:9 का, 1:9 की रेशो चल रही है। यानी कि भारत में जितना पैसा ब्याज पर दिया, यानी जितने का भारत के बैंकों की लेनदारी है, और असल में जो है, यानी 10 रुपये अगर बैंक ने लेने हैं उसमें से मात्र 1 रुपया असल में है। इसका मतलब 9 आदमियों का पैसा डूबने वाला है, 10 में से दे नहीं सकते भाई। भाई मान लो मैं 5-4 साल के बाद मैं 600 करोड़ का मालिक हूं कागजों में, और सबको बोल दू पैसे दो वापस, मार्केट में से कितना पैसा इकट्ठा होगा, 100 करोड़ तो इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं 100 से ऊपर। तो मैं जब इनके पास जाऊंगा कि जी पैसा दो मेरा, अब इनके पास पैसा है नहीं क्योंकि इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो क्या कहेंगे भाई साहब को, जी भाई साहब दो मुझे थोड़ा सा, दो जुगाड़ करके महीने दो महीने में दे दूंगा, अभी तो बैंक का चुकता करूं, तो इनसे ले लेगा। अब ये इनके पास कुछ नहीं बचा, इनको देना पड़ेगा, तो फिर ये उनसे मांगेंगे, उनसे थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो सारे थोड़े थोड़े खाली हो जाएंगे, तो सिर्फ 10% लोग ही दे पाएंगे, उसके बाद बाकी सब खाली। अब उनको अगर हम कहेंगे कि दो इधर, तो कहेंगे पैसे तो नहीं है बाबूजी, नहीं है तो तुमने गिरवी क्या रखा था, मकान, जमीन, कार, डंगर, फ्रिज, कूलर, पुरानी कार, गोल्ड, कुछ भी रखा था, अब देना पड़ेगा। और आपको जान करके खुशी होगी, यही कारण है कि आज आपके पास दिन में अगर 100 कॉल आती हैं तो उनमें से 10 कॉल तो इस बात की आती है कि लोन ले लो, लोन ले लो, डंगर पे ले लो, सोने पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, नई कार पे ले लो, फ्रिज पे ले लो, घर पे ले लो, पहले में रखा हुआ एक और ले लो, उसने उतार के और ले लो, लोन ले लो, आती है ना। क्योंकि वो आप तो मेहनत करके कमाते, वो तो छापते हैं, और उनको ये मालूम है कि हमको केवल एक आदेश पारित करना है के पैसे दो, और सबके हाथ खड़े होने वाले हैं। अब एक बात समझिए, अगर आपका पैसा आप चुका नहीं पाएंगे तो आपकी जमीन किसकी हो जाएगी, बैंक की हो जाएगी, और जब बैंक रिलायंस का हो जाएगा तो किसकी हो जाएगी, इसीलिए बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं, क्योंकि आपकी सारी की सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी हो चुकी है, पूरे समाज का सब कुछ गिरवी रखा हुआ है इस टाइम पे, आपके जोड़ की जमीन, आपकी गली को पार करके इंटरलॉकिंग वाली जो टाइलें लगी थी वो इसीलिए लगी थी कि वो गली बेच चुके हैं, ये जो सड़कें टूट टूट के दोबारा बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े 4 लेन और 8 लेन रोड बनाए जा रहे हैं, ये जो सब कुछ नया बनाया जा रहा है, ये सब कुछ पुराना गिरा के बनाने के पीछे खेल, वो लोन वाला पैसा लगाया जा रहा है कि वो सारी जमीनें बैंकों की हो चुकी है और बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं। मतलब आपके देश की छोटी से लेके बड़ी प्रॉपर्टी केवल 4 उद्योगपतियों के पास जाने वाली है। अगर आपको इसमें भी डाउट लग रहा हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब, फिर तो यही है कि जैसे एक आज चिल्ला रहे हैं कल भी चिल्ला लेंगे परसों चिल्ला लेंगे, और फिर आखिर में जब कुछ नहीं बस की बात हुई तो कम से कम शांति से मर सकेंगे कि भाई जो हमारे बस में था हमने पूरा करा। ठीक है जी, तो अब अगर आपको यह लगता हो कि यह लड़ाई आपकी कल्ले की है या मेरी कल्ले की है, तो फिर यो बहम है, सबकी लड़ाई है, सबका नाश होने वाला है। और अगर आपको यह लगता हो कि मारी तो जिंदगी होली, हम तो देखी जाएगी, थोड़ी सी रह रही है, मारे बालक देखेंगे, तो एक बार पिछले फिर 2-3 साल का कार्यक्रम घटनाक्रम देख लो।